हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और गाइस, आज हम लोग जो खेलने वाले कार पार्क की मल्टीप्लेयर के अंदर जो है रेस करने वाले हैं। और हमारी जो पहली गाड़ी है वो है रोल्स रॉयस। तो चलिए शुरू करते हैं। और अभी हम जो है हाईवे से सिलेक्ट कर देंगे, बस 5 मिनट में लोड हो जाएगा। तो अभी जो है ये जो हमारी गाड़ी आ चुकी है गेम में। और देखो भाई कैसे जो है पटाखे मार रही है गाड़ी। अभी हम जो किसी कोई तो रेस को ढूंढते हैं, तो चलते किसी प्लेयर के साथ रेस करते हैं। और यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो हमारी गाड़ी ढूक चुकी है और ऐसा लैग की वजह से हमारी गाड़ी जो लेट स्टार्ट हो गई। और क्या ऐसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी जो गाड़ी स्लोली स्लोली करके हिल रही है। और उस हिल के जो पूरा ये ड्रिफ्ट मार के पूरा टेढ़ा मेढ़ा हो चुके हैं। और इसी बात का फ़ायदा उठा के जो दूसरा गाड़ी वाला है वो निकल चुका है हमारे आगे, वरना हम विनर हम रहते अगर हमारी गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती, क्योंकि वो COG का प्रॉब्लम है। हाई स्पीड पे जो है वैसा हो गया COG की वजह से। तो गाइस, अभी जो गाड़ी है वो है हमारी निसान GTR स्काईलाइन की। तो अभी हम जो है जाते हैं ऑनलाइन गेम्स के अंदर, यहाँ पे जो कनेक्टिंग बता रहा है। और यहाँ से हम अपना जो है वापस वही सेम प्रोसेस फॉलो करके जो है हाईवे पे जो है स्टार्ट कर देते हैं। और लोडिंग हो रहा है गाइस। ठीक है, लोडिंग हो चुका है। और अभी जो हमारी जो गाड़ी है वो यहाँ पे आ चुकी है। इसकी आवाज़ कितना अच्छा है भाई, बहुत अच्छा आवाज़ है। अभी जो हम रेस करते हैं और बगल वाला गाड़ी जो है वो है कौन सी, टोयोटा सुप्रा MK4 है। इसको हमने जो बिल्कुल बुरी तरह से पीछे छोड़ दिया, क्योंकि हमारी गाड़ी 100% मॉडेड है। सब इंजन वगैरह सब कुछ चेंज है इस गाड़ी का, COG भी पूरा एडजस्टेड है सब कुछ। लेकिन हाँ, ये भी जो गाड़ी है ये जो हिलती है एंड में जाके वो ब्रिज के बाद, तो ये भी जो है आउट हो ही जाती है, जैसा कि आप अभी देखेंगे। लेकिन गाइस, अगर आप देखेंगे पूरे रेस के अंदर जो है वो जो सुपरा वाला बन रहा है वो मेरे से आगे आया ही नहीं, दिखाई नहीं मेरे आगे पूरे रेस के अंदर। लेकिन फिर भी जो है हमारी जो गाड़ी है वो हार चुकी है, पता नहीं कैसे। ये कुछ तो ग्लिच हुआ है गेम में, क्योंकि मेरे हिसाब से मैं जीता हूँ और मेरे पास जो है कोई गाड़ी वाला, मतलब वो गाड़ी वाला आया ही नहीं मेरे पास, लेकिन फिर भी मैं ही जीता हूँ। तो गाइस, अभी बारी हमारी डेविल की, जो कि है टोयोटा सुपरा MK5। तो गाइस, इस रेस के अंदर जो है टोयोटा सुपरा MK4 वर्सेस MK5 होने वाला है। वो उसकी अपग्रेड है फिर या फिर नहीं वो नहीं मालूम है हमें। तो अभी के लिए तो हम ही लीड ले रहे हैं, लेकिन वो भी ज़्यादा दूर नहीं है। अभी हमने जो अच्छा खासा डिस्टेंस कवर कर लिया, लेकिन लैग की वजह से पता नहीं चलेगा हमने कि हम आ गए या फिर वो। तो अभी के लिए तो खैर हम अभी जो है कंटिन्यू करते हैं हमारा गेम। तो गाइस, इस बार भी हिलने की वजह से जो है हम हार चुके, वरना हम ही जीतते, तो कोई बात नहीं है। तो गाइस, अभी हम जो खेलने वाले हैं हमारी मैक्लारेन से। तो हम जो स्टार्टिंग लाइन पे आ चुके हैं, हमें जो गाड़ी है उसकी वजह से बड़ा सा चैसी जो डेंट कर चुका है। और साइड वाली गाड़ी जो हमें पता नहीं कर, वो भी शायद से मैक्लारेन ही है, पता नहीं गाइस। तो फिर अभी जो है हम देखते हैं कि कौन जीतने वाला है इस रेस को। भाई क्या ही खतरनाक एंड इस तरीके से हम जीते हैं ना, पूरा जैसे गाड़ी डिसबैलेंस होकर हम जो जीते हैं। पता नहीं सारे गाड़ियों में ऐसा, लेकिन मेरे ओपोनेंट के साथ तो ऐसा नहीं। अभी गाड़ी है मेन पप्पा जी का, जो कि है हमारे टोयोटा सुप्रा MK4 भैया जी। ओके, हमारी जो रेस हो रही है वो है यहाँ पे एक जी वैगन से मर्सिडीज जी वैगन। अभी जो है हमारी जो गाड़ी है वो करेंटली लीड ले चुकी है, और देखते हैं कि कौन जीतेगा। ये तो खैर छोटी वाली रेस थी 300 मीटर वाली, तो इसके अंदर हम आराम से जीत चुके हैं। तो गाइस, अभी हम जो है एंड करते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही है, पसंद आए तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर हम मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, किसी नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।